नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सारे लोग। तो आज की जो वीडियो है, लास्ट वीडियो के कंटिन्यूशन में ही बन रही है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सांस पे ध्यान करने के लिए बताया था। ये सबसे बेसिक ध्यान की विधि होती है, बिल्कुल जहां एकदम स्टार्टिंग की जा सकती है। तो बहुत लोगों को लगता है कि सांसों पर ध्यान करना बहुत ही बोरिंग चीज होती है, और आप कहते हो कि जितनी आपकी एज है एटलीस्ट उनको उतना ही बैठना चाहिए इंसान को। तो जो 40 या 50 इयर्स के लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ती है, मतलब जितने जितनी ज्यादा एज बढ़ती है कि इतनी देर बैठ के कैसे कंसंट्रेशन रखा जाए सांसों पे या बॉडी पे। तो वही जो सांसों की क्रिया है उसी को ही थोड़ा सा हम आगे और इसमें एड ऑन कर लेते हैं कुछ चीजें, इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और जो आपको बोरिंग लगती है चीजें वो नहीं होगी। इससे पहले बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब आप ध्यान करने बैठते हैं, अपने अंदर आने की शुरुआत करते हैं, तो इसमें कोई भी ध्यान विधि गलत नहीं है। आज आपने सांसों पर करी, कल आपका कुछ और करने का मन कर गया। मान लो आपने सुबह कुछ और किया, शाम को कुछ और करने का दिल हो गया कि चलो नहीं, मैं सांसों वाली नहीं करता हूं, मैं कोई और करूंगा। कोई आपको आती हो या और क्रियाएं मैं आगे बताने वाली हूं अपने चैनल में, उनमें से कोई भी। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि किसी बच्चे को पानी में डाल दिया गया, उसे तैरना आ रहा है, कुछ कुछ चीजें उसने सीख ली, उसने एक बार ये वाले स्ट्रोक्स के साथ तैरना शुरू किया, दूसरी बार उसने बैक स्ट्रोक से तैरना शुरू किया, तीसरी बार जब वो तैर रहा है जस्ट फ्लोट कर रहा है। तो गलत कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर आप सांसों की क्रिया कर रहे हैं उससे आप ध्यान कर रहे हैं, दूसरे टाइम आपने कुछ किया तो कोई गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ अपनी बॉडी में आने की टेक्निक्स होती हैं। जो भी सांस की एक्सरसाइज हो या चक्रों पे ध्यान करने की क्रिया हो या और एडवांस टेक्निक्स हो जिनके थ्रू हम मेडिटेशन की अवस्था में जाते हैं, इनमें इनका सभी का एक ही मकसद होता है कि कैसे अपनी बॉडी पे सीमित रहना है, कैसे कंसंट्रेट करें अपनी बॉडी पे, क्योंकि यही एक सबसे परम पवित्र मंदिर है हमारी देह, जहां पे ईश्वर अपनी अनुभूति कराते हैं। जिस किसी को भी, जितने भी सिद्ध संत पुरुष हुए हैं जिन्होंने भगवत्ता को हासिल किया है, उनको इसी देह में हासिल हुआ है। बाहर चलो, जाओ बाहर, जाओ चलो, गेट खोल रही हूं ना, जाओ बाहर, चलो 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 चलो। शांति से बैठे रहो आप। मेरे डॉग को लगता है मम्मी फोन में किसी से बात कर रही है, बात किसी और से कैसे चल रही है, जब मैं आऊं तो मुझसे बात करो। पूछ हिल रही है इसकी। शांत होकर बैठो, शांत होकर बैठो। तो बात चल रही थी कि जितने भी पुरुषों को पास्ट में, महापुरुषों को, महायोगियों को ईश्वर अनुभूति हुई है, उन्होंने भगवत्ता को अपने अंदर उतारा है, अपनी भगवत्ता को जागृत किया है, तो इसी देह में किया है। हर इंसान की, हर मनुष्य की जो देह है वो सबसे पवित्र मंदिर है। हमें अपनी देह की देखभाल ऐसे करनी चाहिए जैसे कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, सर्व दुर्लभ और सबसे कीमती चीज हो, और हम अनजाने में सिर्फ इसी को इग्नोर करते रहते हैं, बाहर की चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, धन और अलग अलग तरह की चीजें, लेकिन जो असली धन है, जहां पे जो जिसके होने से ही सारा जगत है, उसकी हम कभी ऐसे देखभाल नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि जितनी भी ध्यान की क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी, उनका मकसद होता है अपनी बॉडी पे आना, अपनी बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट होना। सो
सांसों का जब ध्यान करने लगेंगे और बोरियत होने लगेगी तो आप अपने ध्यान को, एक लड़की ने मुझसे कहा कि मेरा तो ध्यान बॉडी में इधर उधर चला जाता है, अपनी मर्जी से जा रहे वो, लेकिन आप अपनी मर्जी से लेके जाइए स्टेप वाइज, जैसे कि आप अपने हिसाब से बना लेना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूं, पहले आपने पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने हेड पे किया, बिकॉज वेयर अवेयरनेस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां भी आप अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को, अपने विचारों को जहां भी केंद्रित करेंगे अपनी बॉडी पे, वहीं ही आपकी एनर्जी जाएगी, वहीं ही आपकी एनर्जी काम करना शुरू करेगी। तो पहले आप अपने हेड पे ले जाइए, बैक ले जाइए, इधर ले जाइए। आप जब यहां ले जाएंगे तो बैठे रहिए, यू बैठिए, यू बैठिए, अपना ध्यान आप वहां लेकर गए और फील कीजिए कि यहाँ पे बॉडी में हमें क्या सेंसेशन फील हो रही है। कुछ भी फील हो सकता है हमें, अपनी मर्जी से, अपने आप कुछ मत करना, मतलब ऐसे क्रिएट करने की कोशिश मत करना कि जबरदस्ती यहाँ कुछ हो, नहीं, जो नेचुरली आप अपनी बॉडी पे फील करें, सिर्फ उसी को ही आपने ऑब्जर्व करना है। इसके बाद अपने हेड के बैक साइड में ले जाइए, अपने दोनों कंधों पे एक साथ लेके आइए, अपने कानों पे ले जाइए, अपने पूरे फेस पे एक साथ ले जाइए, अपने थ्रोट पे ले जाइए। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ जिससे कि वीडियो बहुत लंबी ना खींचे, बोरिंग होती है लंबी वीडियोस, और मुझे लोग कहते हैं कि छोटी वीडियो बनाया करो। तो आपको मैं जिन जिन स्पॉट्स पे ले जा रही हूँ ये एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जैसे मर्जी आप करिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से करिए। रुकना है, महसूस करना है वहां पे क्या हो रहा है हमारी बॉडी पे इस समय, अपने सीने पे लाइए, अपने हृदय के नीचे लाइए, अपनी नाभि पे लाइए, अपने जेनिटल्स पे लेके जाइए। कभी भी अपने जेनिटल्स को इग्नोर नहीं करना, बहुत लोग अपने जेनिटल्स को इग्नोर करते हैं जब वो ध्यान करने बैठते हैं, उन्हें लगता है दीज पार्ट्स आर नॉट प्योर टू कॉन्सेंट्रेट, बट दीज पार्ट्स आल्सो एज प्योर एज अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, सो जेनिटल्स एट बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, थाइज, नीज, काफ एरिया एंड फुट। जब आप अपनी बॉडी पे रुक रुक के, रुकना है थोड़ी थोड़ी देर, एक एक मिनट, आधा आधा मिनट, और अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, इससे आपकी चेतना आपकी बॉडी पे आएगी, और जब धीरे धीरे बॉडी पे चेतना आने शुरू हो जाएगी तो आपकी चेतना अपलिफ्ट होगी और आपको बहुत सारी चीजों की अपने आप अनुभूति होने लगेगी, बाहर की चीजों की। जो इन्फॉर्मेशन आज एक इंसान को महसूस हो रही है, आ रही है, उसको दिखाई जा रही है, वो आपको भी दिखाई जाएगी। ऐसे जबरदस्ती बिल्कुल मत सोचना कि हम भी देखें, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल अवस्था में ही ये सब चीजें होती है। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि मुझे ऐसे सपने आए या मैं ऐसा ध्यान में देखूं, तो हमारा मन इतना चालाक है उसको क्रिएट कर देगा उस सीन को। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं जानती ही नहीं थी कि ये सारा कुछ मुझे जो दिखाया जा रहा है इसका कोई मीनिंग भी है। मैं थोड़ा सा ऐसे सोचती थी ये क्या
बवाल है, ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में जब मैंने महापुरुषों की किताबें पढ़ी और महावतार बाबा जी के बारे में जाना और लोगों से मैंने पता चले, मुझे पता चली चीजें, तब मुझे पता चला कि यार ये जो मैं देखे जा रही हूँ ये तो एक बहुत मतलब कि फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं जो मैं जाके देख पा रही हूँ। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सपनों का क्या भरोसा, सपने तो वो देखते हैं जो हमारे विचारों में चल रही होती हैं चीजें। तो मैं आपको बता दूं कि जब मुझे दिखाई देने शुरू हुई ये चीजें तो मैंने तो ऐसे दूर दूर भी नहीं सोचा था। कई लोग सोचते हैं कि मूवी देख लेंगे, मैं टीवी भी नहीं देखती, मुझे ये भी नहीं पता कौन कौन से चैनल है। बस मेरे जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है ना वो गजब की है। मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ हमेशा ही, इनसे कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। सो आज मैंने सांसों की क्रिया के बारे में ही आपको और बता दिया। चलो एक और चीज बताती हूँ मैं सांसों की ही। ये दूसरा हो गया, पहला हो गया कि आपने सिर्फ सिंपली सांस पे ध्यान करना शुरू किया, जिनको उसमें कंफर्टेबल है वो ही करते रहे, बहुत बेस्ट है वो भी। सेकंड मैंने ये बता दिया कि जब आप सांसों पे ध्यान करते करते बोर होने लगे तो आप ऐसे अपने बॉडी पार्ट्स पे ध्यान ले जाए, फिर बैठ के शांति से अपनी सांसों पे ध्यान करने लगे। तीसरी एक विधि मैं आपको बताती हूँ कि सांसों की ही है ये भी, तीसरी ध्यान विधि है, आप शांति से बैठ जाइए। स्टार्टिंग आपको हमेशा ऐसे ही करनी है जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताई थी, हमेशा शांत बैठ जाइए, पूरी बॉडी को अपने लूज छोड़ दीजिए, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए, स्पाइन का स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है, अपना जो हेड है वो लिटिल डाउन कीजिए, क्योंकि यहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जब ये दबती है जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उससे हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, वो मैं अगली वीडियोस में बताऊंगी आपको। हर वीडियो में हर चीज शेयर नहीं की जानी चाहिए। एंड दूसरी ध्यान विधि है, आप बैठें, तीन चार गहरी सांसें लें, नाक से लें और मुंह से छोड़ें। हमारी बॉडी अल्फा स्टेट में चली जाती है, हमारी बॉडी को लगता है ध्यान होने वाला है, वो खुद को शांत कर लेती है, एक्टिविटीज विचार सब शांत होने की ऑटोमेटिकली कोशिश करने लगते हैं। अब इस ध्यान विधि में आप क्या करेंगे, सांस लेंगे, अंदर पूरा सांस भरेंगे डीप, रुकेंगे वहां पर, फिर सांस छोड़ेंगे, नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। जब आप ये सांस छोड़ें तो फिर आप इतनी ही देर रुकिए जितनी देर आप अंदर रुके थे, बाहर भी उतनी ही देर रुकिए। इन पे गाइडेड मेडिटेशन पड़े होते हैं यूट्यूब पे, उनका मैं आपको बताऊं एक नुकसान ये होता है कि हर किसी की जो बॉडी की कैपेसिटी होती है वो अलग होती है, वो काउंटिंग अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ काउंट करने की कोशिश करूं अपने ही सांस को, मैंने 10 काउंट करते हुए अंदर लिए सांस, 10 काउंट अंदर रोका, 10 काउंट बाहर छोड़ते वक्त किए और 10 काउंट मैंने जब बाहर रुकी रही मेरी सांस इतना किया। किसी की ये अवस्था 4 तक हो सकती है, 4 सांस काउंट अंदर लेते वक्त, 4 काउंट अंदर रुकते वक्त, 4 काउंट बाहर आते वक्त, 4 काउंट बाहर रुकते हुए।
कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, इसमें पढ़ना ही नहीं है। जिनको मैं क्रिया योग करती हूँ उसमें, क्योंकि प्राणायाम विधियां होती हैं कई सारी, तो मैं लंबा सांस रोक पाई अभी आपके, आपने जैसे मैंने काउंट किया ऐसे 10 तक। हर किसी की कैपेसिटी अलग होगी, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। किसी की देर तक रुक रही है सांस, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी की बहुत कम टाइम पे रुक रही है, कोई बुरी बात नहीं है। सब इक्वल है। बस ये सिर्फ एक, ये समझो कि इंस्ट्रूमेंट है जो हवा ज्यादा ले सकता है और छोड़ सकता है। इससे हमारी बॉडी में एक रिदम क्रिएट होती है। वो जो रिदम क्रिएट होती है, इससे हमारी बॉडी अलाइन होनी शुरू होती है, हमारा बॉडी पे कॉन्सेंट्रेशन बनता है। इसके बाद जब ये होना शुरू करोगे, आप करना शुरू करोगे, धीरे 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 ऐसी अवस्था आएगी, ये सब छूट जाएगा कि ध्यान बॉडी पे इधर उधर ले जा रहे हैं या रोक रहे हैं, कर रहे हैं। आप नेचुरल ही अपनी बॉडी पे रहना शुरू कर दोगे। आप शांति से बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो अपना काम, आपका कंसंट्रेशन आपकी बॉडी पे रहेगा। और मेनली ध्यान का यही ही पर्पज होता है कि हमारी बॉडी पे ध्यान आए। अब जब हमारा बॉडी पे ध्यान रहने लगा है तो आगे क्या करना चाहिए, ये मैं बताऊंगी आपको वीडियो में। मतलब क्या होगा, क्या है, अगर बॉडी पे ध्यान आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके होने से हमें फायदा क्या है, स्पिरिचुअल फायदा क्या है और हमारा फिजिकल फायदा भी, ये सब मैं बताऊंगी। अभी वीडियो थोड़ी मेरे को 16 मिनट की दिखाई दे रही है, ये तो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताती रहूंगी सारी इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। बाय।